देखो क्या वाव बना रखा है। चांदी को सिक्कों को पिघला के इतना बड़ा बर्तन बनाया गया था। तीर वाली पान सिंह जी और मतलब इनकी जो फैमिली थी इनका पूरा बायोडाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। अपन गए थे लास्ट टाइम आमेर फोर्ट और आज मैं अगेन जा रहा हूँ जयपुर, तो कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। आज मैंने सोच रखा है हवा महल, सिटी पैलेस, अल्बर्ट मॉल, वो जो भी है तो वो सब कवर करें, अभी फिक्स नहीं है। वहाँ पे आके देखेंगे जयपुर में कौन सा सस्ता मतलब कि कौन सा कम टाइम में ज़्यादा देख पाए वाला अपन कवर करेंगे। तो चलिए अभी बस का वेट कर रहा हूँ मैं, बस मिल जाती है अपने को यहाँ से देन अपन सीधा निकल लेते हैं जयपुर के लिए। चलिए वहाँ पे मिलेंगे अभी आपको, वहाँ पे बताता हूँ मैं आपको कहाँ पे जा रहे हैं अपन। चलो मिलते हैं। यार सो गाइस, फाइनली घूमते यार थोड़ा लेट हो गया, फूड व्लॉगिंग के लिए चला गया था, ये वीडियो तो अब से आने वाली है। तो डिसाइड हुआ है कि सिटी पैलेस जा रहे हैं, डिसाइड हुआ है अभी सिटी पैलेस जा रहे हैं, सिटी पैलेस एक्सप्लोर करेंगे आज। देखते हैं यहाँ पे है कुछ, म्यूजियम भी है या कुछ तो है यहाँ पे। जो राजा हुआ करते थे मानसिंह जी, उनके कपड़े तलवार वो सब रखी हुई है, तो जाके देख के आते, पता नहीं कैमरा अलाउ होगा या ना होगा। चलो फिर भी आते अंदर क्या है वो सब एक्सप्लोर करके आपको भी दिखाते। चलो सिटी पैलेस का मतलब एंट्रेंस है, देखो क्या वाव बना रखा है। चलिए चलते अभी अंदर। देखो गाइस फॉरेनर्स आए हुए हैं बेचारे, गलत टाइम में आ गए, सब आए एकदम मस्त टाइप टॉप हो गए, जाएंगे यहाँ से एकदम समझ जाए। कितनी भीड़ है ना यार टिकट्स के लिए, देखो क्या ही बताऊँ, मैं भी धूप में काला ही हो रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइस टिकट्स तो ले ली है अपन ने और एंट्री कर गए हैं गेट नंबर 2 से। यहाँ से एंट्री है, गेट नंबर 2 से एंट्री की है, यहाँ पे अपना चेकिंग होगा जो भी होना होगा। यार यहाँ की प्राइजेस तो काफ़ी दिख जाऊँगा यार इतने में, तो दो थे हम लोग, एक स्टूडेंट था उसका 150 लगा और मेरा लगा 300। क्या भाई मैं इतना महंगा आदमी हूँ, काम चल रहा है यार, काम चल रहा है। देखो चलो स्टोरी स्टोरी चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं यहाँ पर। चलो एक प्लेस मिली है, अब जिनको हिस्ट्री पता होगी उनको पता होगा ये सब कौन है, देख लो पता नहीं कौन है। का नाम है महाराजा सवाई जय सिंह, 1700 से 1743। देन ये है महाराजा जय सिंह, देख लो ये है महाराजा भाऊ सिंह, यहाँ पे भी है कोई महाराजा सवाई जगत सिंह, फिर है महाराजा सवाई राम सिंह, क्या पता कितने महाराजा है, ये है शायद मेन महाराजा स्वामी माधव सिंह। चलो कोई नहीं, और ये है महाराजा राहुल कुमावत। चलो गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ, हमने एक चीज मिली है जो मतलब हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, बताते क्या है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब फाइल लेना स्क्रीनशॉट लेके, तो मतलब मोटा मोटी मुझे इसके बारे में जितना पता है कि ये कुछ चांदी को सिक्कों को पिघला के इतना बड़ा बर्तन बनाया गया था, क्योंकि जो मानसिंह जी महाराज हुआ करते थे वो सिर्फ गंगा जी के पानी से नहाते, तो शायद वो लंदन गए थे या किधर तो गए थे थोड़े दिनों के लिए, तो वो इन चांदी के बर्तनों में गंगा से पानी मंगा के भर के लेके गए थे, सो देट कि शायद वो पीने के या नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हो राजा वाले शौक, कोई नहीं राजा थे वो, हम तो एक मिडिल क्लास आते हैं, कोई
होता रहता है तो देखो मस्त है यार, सही लग रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ मिली है, पुराने ज़मानों की जो गन्स हुआ करती थी, तीर वाली गन्स है, तीर वाली, हमें से मतलब तीर निकलती थी, गोलियाँ नहीं तीर निकलती। तो बेसिकली ये गन है और ये इसके अंदर जो मतलब आज के ज़माने के हिसाब से मैं बोलूँ तो गोली है, तो ये तीर ये बंदूक के अंदर होती थी और जब भी वो शिकार किया करते होंगे या फिर शूट किया करते होंगे तो तीर निकल के जाता था। तो इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों ने सजा रखा। यार सो गाइस, अभी मैं म्यूज़ियम के बाहर खड़ा हूँ जो सिटी पैलेस के अंदर है, मैं अंदर जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी मना कर दिया है, और मैं जाके आता हूँ देख के आता हूँ, फिर आप लोग को बाहर आके बताता हूँ अंदर क्या क्या था, क्या क्या देखने लायक है क्या नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। याद तो गाइस पहले म्यूज़ियम में जाके आ गए, ये म्यूज़ियम के अंदर जो महाराजा थे मान सिंह, उनकी फैमिली और उनका सब जो कपड़े थे, वो क्या पहनते थे, शादी में क्या पहना करते थे, वो सब था। मतलब पहला जो म्यूज़ियम है, मतलब ये वाला जो सेंटर में है सिटी पैलेस के, इसमें कुछ इतना खास तो लगा नहीं मुझे। हाँ मतलब जिनको शौक होगा कि हाँ राजा महाराजा कैसे जीते थे, मतलब जो जिनका माइंड रहेगा कि हाँ हिस्ट्री से रिलेटेड उनको जानना पसंद है देखना पसंद है, वो लोगों के लिए अच्छा प्लेस था ये। पहन के लिए चलेंगे अभी, पर उसके पहले एक चीज़ दिखा दो आपको। तो अपना जो मानसिंह जी और मतलब इनकी जो फैमिली थी, इनका पूरा बायोडाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी जनरेशन है, कौन कौन थे, वो सब। अपना म्यूज़ियम देख के हो गया है, एक म्यूज़ियम में रखा हुआ था राजाओं का कपड़ा और दूसरे में रखा हुआ था राजाओं की गन तलवार। मतलब ठीक था यार, क्या बताऊँ, ठीक था। मतलब जो गन वाला पार्ट था, मतलब गन वाला जो म्यूज़ियम था, वो देख के तो मज़ा आ गई। तो उसमें था बहुत कुछ था, शाहजहाँ ने जो गिफ्ट दी थी इनको, अकबर ने जो गिफ्ट दी थी, एक्चुअली वो ज़माने में मित्र हुआ करते थे, तो मतलब है बहुत कुछ। महारानी विक्टोरिया ने इन्हें दी है जब ये इंग्लैंड गए हुए थे मानसिंह जी, तो काफ़ी कुछ था अंदर। मेरे को तो पर्सनली अच्छा लगा जो अंदर म्यूज़ियम था, ये जो इनके हथियार थे राजा के, वो सब काफ़ी अच्छा था अंदर। तो जिनको हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पसंद है, ठीक है, सिर्फ उनको ही नहीं बाकी और भी लोगों को जो आएंगे तो यहाँ की वाइब जब मिलेगी ना उनको पसंद आ जाएगा, तो वो लोग के लिए प्लेस रिकमेंडेड है, आ सकते हो यहाँ पर, काफ़ी कुछ अच्छा देखने मिलेगा, ठीक है। और बाकी तो यहाँ की वाइब्स तो है ही, तो ठीक है अभी नेक्स्ट लोकेशन पे निकलता हूँ, देखता हूँ अभी कुछ एक्सप्लोर करने मिलेगा कि नहीं। धूप इतनी है यहाँ पे कि यार हालत पतली हो रखी है, थक गया हूँ पूरा। कोई नहीं, अब सोच रहा हूँ जा के आओ एक बार हवा महल की तरफ और अल्बर्ट म्यूज़ियम जो है वहाँ पे भी एक बार देख के आता हूँ क्या है क्या नहीं। तो चलिए अभी निकलते हैं, मिलते आगे की तरफ। तो भाई आफ्टर सिटी पैलेस मैंने सोचा था हवा महल एक्सप्लोर करेंगे यार, बट थोड़ा लेट हो गया मैं। ये 6 बजे तक ही मतलब ओपन रहता है, 6 बजे बाद में मतलब टिकट्स मिलना बंद हो जाती है। तो क्या अभी कोई नहीं, बाहर से थोड़ा देख लेते हैं, आप भी थोड़ा व्यू देख लो। अभी टाइम हो गया है ये वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करने का, लाइक शेयर कमेंट करना भूलना मत, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।